4 single chains, लास्ट वाली चेन से जोड़ देंगे। इस तरह ये देखें, ये धागा हम साथ में पकड़ के रखेंगे। अब हमें इसमें 6 हाफ डबल क्रोचेट्स बनाने हैं, राउंड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम इसे पहले वाले से जोड़ देंगे। इस तरह ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4 सिंगल चेन्स डबल क्रोचेट्स बनाने हैं। इसके आगे वाली चेन में 1 सिंगल चेन, ये देखिए इस वाली चेन में 1 सिंगल चेन, और फिर से इसी में एक और बनाना है सेम चेन में, ये देखिए 1 सिंगल चेन, वापस से अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 सिंगल चेन, इसमें 2 डबल क्रोचेट हो गए। सिंगल चेन, इस तरह ये देखें, इस तरह 12 चाहिए हमें डबल क्रोचेट और ये 12 हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम इसे जोड़ेंगे 1 सिंगल चेन, 1, 2 और 3 तीसरी चेन से जोड़ देंगे इस तरह। थ्री सिंगल चेन्स, 1, 2, 3 5, 6 डबल क्रोचेट। अब हर डबल क्रोचेट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट बनाना है हमें, ये देखिए इस तरह 3 सिंगल चेन्स, 3 सिंगल चेन और ये डबल क्रोचेट, 3 सिंगल चेन्स, इस तरह बनाएंगे, ये देखिए। अब हम इसे जोड़ देंगे 1, 2, 3 इस थर्ड चेन से, फिर से 3 सिंगल चेन्स, और अब हमें इस गैप में 2 डबल क्रोचेट्स बनाने हैं और वन और ये 2, टोटल 3 हो गए हमारे डबल क्रोचेट।
3 single chains, 1, 2, 3, double crochet, आगे वाले double crochet में, इसमें भी हमें 3 double crochet बनाने हैं, 1, 2, और ये 3, और 3 single chains, 1, 2, 3, वापस से double crochet, 3, ये मैंने तीसरी चेन से जोड़ दिया है। अब आगे शुरू करेंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे हम। थोड़ा एक डबल क्रोचेट छोड़ देंगे। 1, 2, 3। ये देखिए एक मैंने छोड़ दिया है यहाँ स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे। डबल क्रोचेट और इस गैप में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1, 2। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, यहाँ पे 4 हो गए। अब 1, 2, 3 सिंगल चेन्स, एक डबल क्रोचेट छोड़ के दूसरे वाले। और ये 4। इस तरह ये हो गया राउंड पूरा। अब जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट और 3 सिंगल चेन्स लिया है, वैसे ही हमें 10 डबल क्रोचेट तक पूरा बनाना है, सेम टू सेम। ऐसे ही सिर्फ एक डबल क्रोचेट ये छोड़ के आगे वाले से शुरू करना है और बीच में 2 डबल क्रोचेट आने चाहिए। अब यहाँ पे 4 है, वैसे 10 आने तक हमें ये बनाना है सेम प्रोसेस से। ये देखें ऐसे 10 आने तक सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। 2 डबल क्रोचेट बनाए हर एक गैप में और एक एक पीछे छोड़ा है। ये देखें हर एक में एक एक छोड़ा है। यहाँ तक हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये 10 डबल क्रोचेट तक हो गया था। यहाँ पे मैंने 9 डबल क्रोचेट्स लिए हैं और यहाँ 4 सिंगल चेन्स, 4 सिंगल चेन्स लेके यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ 4 सिंगल चेन्स और इसी तरह आगे फिर से और ये डबल क्रोचेट्स लिए। अभी 3, 6, 9 डबल क्रोचेट्स लिए हैं मैंने। यही सेम इसी तरह यहाँ 5 डबल क्रोचेट्स हो गए हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है वैसे ही 1, 2, 3, 4 और यहाँ बीच से जोड़ना है बस। वापस 1, 2, 3, 4 इस वाले से यहाँ से जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4 जोड़ दिया। 1, 2, 3, 4 फिर ये एक डबल क्रोचेट छोड़ना है और ये एक डबल क्रोचेट छोड़ना है और इसमें तरह यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट्स आएंगे। 2, 3, 4 और ये 5। वापस सेम 1, 2, 3, 4 सिंगल चेन्स, यहाँ बीच में गैप में जोड़ देंगे इस तरह। 1, 2, 3, 4
सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, फोर सिंगल चेन्स यहाँ से जोड़ दिया, फोर सिंगल चेन्स यहाँ भी, फोर सिंगल चेन, फोर सिंगल चेन, यहाँ सब फोर सिंगल चेन से लेने हैं हमें और गैप से जोड़ देना है। इसी तरह फाइव डबल क्रोशेट आने तक आप इसी तरह बना लीजिए, फिर आगे का देखेंगे। फोर सिंगल चेन्स और ये वन टू थ्री थर्ड चेन से जोड़ देंगे इसे। इस तरह वापस से यहाँ स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच। अब हमें यहाँ तीन डबल क्रोचेट बनाने हैं और तीनों को ऐसे एक साथ जोड़ना है। ये देखिए इस तरह तीन डबल क्रोचेट आएंगे, तीनों को यहाँ जोड़ना है ऐसे। वन टू, टू सिंगल चेन लेंगे डबल क्रोचेट में, हाफ डबल क्रोचेट करना है। ये देखिए ये ऐसे छोड़ना है, एक ही बार निकालेंगे एक ना, ये एक बार निकाला और ये ऊपर तीन रिंग आ गए। अब तीनों में से एक साथ निकालें, ये देखिए तीनों जुड़ गए, तीन डबल क्रोचेट। फिर वापस वही फोर सिंगल चेन, वन टू थ्री फोर, और यहाँ से जोड़ना है बीच बीच में, वन टू थ्री फोर, यहाँ से जोड़ दिया, थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब यहाँ डबल क्रोचेट ये वाला छोड़ दिया बीच में, एक बार निकाल के ऐसे, फिर वापस दोनों में से, ये देखिए सिर्फ दो धागों में से निकालना है ऐसे, थोड़ा सा खींच देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। वापस वापस से दो धागों में से निकाला और थोड़ा से खींचेंगे, ये देखिए इस तरह। अब सब में से एक साथ निकाल देंगे, टू थ्री फोर सिंगल चेन्स। अब जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है सेम टू सेम वैसे ही जोड़ के ये पूरा करेंगे हम। ऐसे यहाँ से जोड़ देंगे, वन टू थ्री, इस तरह। अब इसके आगे का शुरू करेंगे। अभी हमें यहाँ से यहाँ पे हाफ डबल क्रोचेट बनानी है दो, ये देखिए इस तरह हम इस होल के बीचों बीच आ जाएंगे। अभी वन टू थ्री फोर, डायरेक्ट हमें यहाँ से नहीं शुरू करना है, यहाँ इसके आगे वाले हुक में ये हाफ डबल क्रोचेट लेके यहाँ से बीच से, और फिर उसी तरह ये देखिए ऐसे जोड़ना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ये देखिए यहाँ नहीं लेना है हमें, ये इस आगे वाले हुक में, ये इस तरह टू थ्री और ये फोर,
ये देखिए यहाँ तक आ गई मैं जहाँ से शुरू किया था, 1 2 3 4। अब हम ये देखिए यहाँ यहाँ से इसे जोड़ देंगे इस तरह। फिर वापस से यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, हाफ डबल क्रोशेट्स लेंगे, 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशेट। फिर अब हमें यहाँ 5 सिंगल चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। इस तरह हम यहाँ तक पूरा करेंगे, फिर यहाँ से जोड़ दे रहा है हमें। ये देखिए यहाँ तक मैंने जोड़ दिया है। अब हम वाइट ऊन कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, वाइट ऊन कट कर दी है मैंने। अब आगे में ये ऑरेंज कलर यूज करूंगे। अब यहाँ ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स, 1 और ये 2, दो बार निकालना है, फिर से ट्रिपल क्रोशेट, हाफ ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पे, 1 और ये 2। ये देखिए ऊपर ऐसे 3 चेन्स आ गई। फिर से दो बार लपेट लेंगे और इस आगे वाले में यहाँ पे भी हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स बनाने हैं, 1 2, दो बार निकाल दिया, वापस से 1 और 2, दो बार निकाला धागा, और ये 2। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स बनाए और यहाँ पे भी 3 हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स। अब ये इन सब में से ये धागा निकालना है इस तरह। ये देखिए ये ऐसे हार्ट शेप बन जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल चेन्स ले ली। अब इस आगे वाले में यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ना है वगैरह, कुछ नहीं, डायरेक्ट आगे वाले में वही सेम हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स, 3 3, 1 2। ये देखिए वापस से 1 2 हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स, 3 हाफ ट्रिपल क्रोशेट्स। इस तरह थोड़ा सा ऊपर खींच देंगे। अब इसके आगे वाले में 1 2, देखिए अब इन सब में से ये धागा इस तरह निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए अब फिर वही यहाँ पे हार्ट शेप बनाना है और ये 8 सिंगल चेन्स लेनी है। इस तरह यहाँ तक हम पूरा करेंगे। ये हमने यहाँ तक पूरा कर दिया था, इसके आगे मैंने ये बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है। ये हर एक सिंगल चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है हमें। हर चेन में एक बनाएंगे।
इस तरह यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ देखिए ये यहाँ पे जो गैप है उसमें ये, और इसके पास यहाँ जो गैप है उसमें भी, यहाँ से हर एक सिंगल चेन में एक, हो गया पूरा। अब इसे तीसरी वाली चेन से जोड़ देंगे, 1 2 3 इससे जोड़ दिया इस तरह, और अब इसे उनको कट कर दिया। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर की उलाएंगे, और ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।